आप सबों का TRLS क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में ब्लड रिलेशंस के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और 12A के क्वेश्चन है के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें दिया हुआ पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स, पी सन इज एस ब्रदर्स। तो इसमें अप्रोच बताए थे कि क्यू और आर में से अपने आप को खुद को एज्यूम करना है। तो हम लोग एक सिंपल रिलेशनशिप देखें, पी क्यू आर ब्रदर्स, तो इस तरीके से हम लोग Q को अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे Q हम लोग खुद हो गए, माई सेल्फ। अब यहाँ से पी एन क्यू आर ब्रदर्स है, तो P क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R एंड S आर सिस्टर्स, R एंड S आर सिस्टर्स, तो अभी R और S का नहीं, अभी P से देखना, चेन वाई देखना है, Q का P से लिंक देखे, फिर P का हम लोग S से देखेंगे। यहाँ समझ में आ गया, जो माई ब्रदर P का सन, मतलब माई ब्रदर का सन जो है वो S का ब्रदर है, है ना? मतलब मेरा ब्रदर का सन जो है वो S का ब्रदर है, मतलब S और मेरा भाई का सन आपस में एक दूसरे से ब्रदर हो गए, तो मेरा क्या रिश्ता होगा, क्योंकि मेरे भाई का सन है तो माई नेफ्यू हो जाएगा। उस तरीके से अब दिया हुआ आर एंड एस आर सिस्टर्स, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग एस पर आ गए, ठीक है। तो एस का तो हो गया, एस के बाद में आर आ गए, आर एंड एस आर सिस्टर, तो ये दोनों सिस्टर है, मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है, माइंड नाइस। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मेरा, इसमें पूछा गया हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, है ना, तो आर जो है माइंड नाइस हो गई, तो इस तरीके से क्यू हम कौन हो गए इसके, आर के तो अंकल हो गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा ए हो गया अंकल, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपको हमेशा अपने आप से रिलेट करके आंसर्स को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू वाई, तो हम लोग सबसे पहले एन टू वाई में से एन को अपने आप को मान लेते हैं, क्योंकि एन इज द डॉटर ऑफ जेड है, मतलब छोटा एन है यहाँ पर, तो एन को अपने आप को यहाँ पर एज्यूम कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एन से, अब रिलेशन से एन इज द डॉटर ऑफ जेड, तो जेड हो सकता है हमारा माई फादर हो सकते हैं, ये मदर भी हो सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कंफर्म, तो दोनों लिखते हैं। उसके बाद जेड से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, जेड जो हस्बैंड ऑफ डब्लू, मतलब कंफर्म हो गया कि ये माई फादर हैं और डब्लू माई मदर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को रिलेट करते चलते हैं। फिर डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, डब्लू एक्स की डॉटर है, मतलब हिंदी में नानी कहते हैं, तो मान लो कि एक्स की डॉटर है तो माई ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर, ठीक है। और एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से फिर वही है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर दोनों हो सकता था, और यहाँ कंफर्म हो गया एक एक लाइन से, जहाँ पर हम लोग को जेंडर पता ना हो दोनों पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। तो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो हमारे ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड फादर, ठीक है, और वाई जो है ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो हर कोई को अपने से रिलेट करके हम लोग देख लिए, तो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो एन टू वाई, एन हम खुद हैं और वाई जो है मेरी ग्रैंड मदर है। तो इस तरीके से मैं, मतलब एन पहला जो रहता है उसको बताना कौन होगा, तो हम क्या होंगे, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग को अपलोड करेंगे, जिससे आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक को समझने में काफ़ी हेल्प मिल सकेगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो से आपको मैथ्स और रीजनिंग्स के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, और इस चैनल को शेयर भी करें आप। थैंक यू।